गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज 7 जून 2023, डॉलर इंडेक्स अभी है 104.10। ये थोड़ा सा साइडवेज मूव में ही रहना है क्या एक्सपेक्टेशन से ऑन द लोअर साइड में भी 103.3035 एंड ऑन द हायर साइड 104.7080 पे टिल द फेड रेट डिसीजन ऑन 14th of June। एमपीसी रेट डिसीजन के बाद ही, फेड रेट डिसीजन के बाद ही हम कुछ एक डायरेक्शंस के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टिल दैट टाइम ये साइडवेज में ही टाइम पास करने का एक्सपेक्टेशंस हम कर रहे हैं। डॉलर रुपी अभी है 82.53। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आरबीआई एमपीसी मीटिंग इज गोइंग ऑन एंड टुमारो कल सुबह आरबीआई के रेट डिसीजन से, तब तक डॉलर रुपी में ज्यादा कुछ हलचल हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मे बी ऑन द आज के दिन ये 40-50 ऑन द लोअर साइड एंड 65-75 ऑन द हायर साइड, इस रेंज में ही डॉलर रुपए का मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कल एक बार पॉलिसी डिसीशंस आ जाए उसके बाद एक कुछ क्या बोलते हैं उसको, कुछ एक ट्रेंडिंग के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जीबीपी डॉलर अभी है 1.2425, ये भी थोड़ा सा पॉज साइड पे चला गया है। ऑन द लोअर साइड 1.2370 एंड ऑन द हायर साइड 1.2550, इसके रेंज में थोड़ा सा एक दो दिन टाइम पास करने का प्रयास कर रहा है। जीबीपी आईएनआर में भी एक पॉज आ चुका है। ऑन द हायर साइड 103.45 एंड ऑन द लोअर साइड 101.85, इसके बीच में ही कुछ टाइम के लिए टाइम पास कर सकते हैं। उसके बाद ही कुछ एक मेजर आइदर डायरेक्शन मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यूरो डॉलर पे अभी है 1.0693। यहाँ पे प्राइस अगर आप देखोगे थोड़ा सा मींस बेस आउट करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे व्हाट आई वांट टू मीन बाय दिस, एक बेस आउट का टेंडेंसीज चल रहा है। दैट बीइंग द केस, हमें इसमें थोड़ा सा और टाइम देना है। व्हाट सम प्राइसेस आर ट्राइंग टू बेस आउट, वहां पे मोमेंटम नहीं रहता है। साइडवेज टू वे चॉपी मूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड। ये मोमेंटम देगा एक बार अगर ये आपका 2nd June के हाई के ऊपर अगर कन्विंसिंगली क्लोज दे दे, उसके बाद हायर लो हायर हायर हाई हायर लो फॉर्मेशंस में जाएगा। इन सच ए केस वी कैन एक्सपेक्ट सम बाय डीप रियली इन दिस करेंसी पेयर। यूरो आईएनआर अभी है वो 88.26। करेंसी यहां पर भी आप देखोगे कि प्राइस आरएसआई टर्म्स में एक बेस आउट करने का प्राइस कोशिश कर रहा है। आरएसआई और प्राइस एक्शन के हिसाब से भी एक बेस आउट करने का अटेम्प्ट कर रहा है। जब तक ये आपका 88.90 के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज नहीं दे देता है, टू वे चॉपिनेस इज एक्सपेक्टेड इन दिस करेंसी पेयर। डॉलर येन अभी है 139.30। ये आपका थोड़ा सा रेंज में फंसा हुआ है, आपका 140.50 ऑन द हायर साइड एंड 138.50 ऑन द लोअर साइड, इसके बीच में थोड़ा सा टाइम पास करेगा। जब तक आइदर साइड ब्रेकआउट नहीं करता है तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा। ऑन द लोअर साइड ब्रेकडाउन में टेक द करेंसी पेयर फर्स्ट टू आपका 137 के आसपास एक लेने का प्रयास कर सकता है। येन आईएनआर पे भी एक बेसिंग आउट का प्रयास चल रहा है। जब तक ये सेंटरमेंट के ऊपर क्लोज नहीं दे देता है तब तक इसका मोमेंटम चालू नहीं होगा। एक बार सेंटरमेंट के ऊपर, बोलिंजर बैंड के सेंटरमेंट के ऊपर क्लोज देना चालू किया, उसके बाद ये हायर लो फॉर्मेशंस में जाएगा। इन सच ए केस हम बाय दिस में इस करेंसी पेयर को ट्रेड कर सकते हैं। डॉलर कैंडी अभी है आपका 1.3403। ये साइडवाइज कंसोलिडेशन जोन के अंदर में ही, इसको जोन के अंदर में ही रहने देते हैं। जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है उसको थोड़ा सा कुछ देखने का है नहीं। ऑसी डॉलर में जैसे कि हमारा प्रीवियस एक्सपेक्टेशंस था, ये फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है एंड नाउ इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 0.6775 से 0.6800 की तरफ ये हेड कर रहा है एज पर परफेक्टली एज पर आवर एक्सपेक्टेशंस। सीएनएच में आपका 7.12, यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस आउट है। यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि मीन्स एक 7.22 की तरफ एक यात्रा करने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए हमें थोड़ा सा डॉलर रुपए को भी नजर में रखना पड़ेगा। और अभी है आपका क्रूड ऑयल 75.90। मीन्स आपका देखोगे संडे इवनिंग में ओपेक प्लस का मीटिंग में जो रेट कट हुआ है उसके बाद ये कंटिन्यू नहीं दिया, दैट इज द सरप्राइज एज फार एज द डिसीजंस टेकन इन द मीटिंग इज कंसर्नड। दैट मीन द केस यहां पे एक रेंज बन चुका है। ऑन द हायर साइड आपका 79 एंड ऑन द लोअर साइड 71.50, इसके रेंज के अंदर में ही ये टाइम पास कर सकता है। तब तक हम कुछ एक डायरेक्शनल मूव के बारे में सोच नहीं सकते। यूएस 10-ईयर ट्रेजरी अभी है आपका 3.66, तो ये थोड़ा सा वही 14th जून
फेड रेट डिसीजंस के लिए इंतजार कर रहा है. लॉट ऑफ मींस व्यूज आर फ्लोटिंग इन द मार्केट. कोई बोल रहा है कि जून में पॉज रहेगा, जुलाई में 20 बेसिस पॉइंट हाइक रहेगा, उसका परसेंटेजेस भी वेरी कर रहा है डिपेंडिंग ऑन दैट वन. ये भी ऊपर नीचे कर रहा है, बट 14 जून के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा. टू ईयर ट्रेजरी भी सिमिलरली ये एक रेंज में अटक गया है अभी. तो जब तक 14 जून का एक पक्का डिसीशन नहीं आता है, नॉट ओनली द रेट हाइक और रेट पॉज, फर्दर डायरेक्शन क्या होगा, क्या जुलाई में फिर दोबारा करेगा या वहीं से पॉज देगा या फॉर मोर डेटा टू बी ऑब्जर्व बिफोर टेकिंग डिसीजन, उसके ऊपर इसका एक मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. एज ऑफ नाउ वी नीड टू वेट फॉर 14th जून आरबीआई फेड रेट डिसीजन. सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना. आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा. इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे.